स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको रक्षाबंधन पर घर जाना होता है। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए आगे जानते हैं। रक्षाबंधन पर घर जाना होगा मुमकिन, ऐसे बुक करें कंफर्म रेल टिकट, बहुत कम लोग जानते हैं ये ट्रिक। आज की वीडियो में मैं आपको वैसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कैसे कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने तत्काल टिकट की सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए लोगों को यात्रा शुरू होने से 24 घंटे पहले कन्फर्म टिकट मिल जाता है। यानी क्या है ये नई ट्रिक? भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे से हर दिन हजारों लोग यात्रा करते हैं और त्योहारों पर संख्या लगभग दोगुना हो जाती है, जिस वजह से ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना हमेशा काफ़ी मुश्किल रहता है। यात्रियों को इस परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने तत्काल टिकट की सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए लोगों को यात्रा शुरू होने में 24 घंटे पहले कंफर्म टिकट मिल जाता है। वहीं कई लोग टिकट बुकिंग के लिए एजेंट्स का भी सहारा लेते हैं जो उन्हें मोटे पैसे ठूस लेते हैं। लेकिन हम आपको आज एक ऐसी ट्रिक के बारे में बता रहे हैं जिसे फॉलो करके आप आसानी से तत्काल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। ये IRCTC का मास्टर लिस्ट फीचर बता दे कि AC क्लास की बुकिंग 10 बजे से शुरू होती है और स्लीपर क्लास की तत्काल बुकिंग 11 बजे से शुरू होती है। ऐसे में आप मास्टर लिस्ट फीचर के जरिए फटाफट टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस फीचर के बारे में और इस ट्रिक को यूज करके करने का तरीका बता रहे हैं। आप इंटरनेट स्पीड हो या अच्छी जल्दी टिकट बुक करने की होड़ में हम भूल जाते हैं कि जहां आप मौजूद है वहां इंटरनेट स्पीड मिल रही है या नहीं। इसलिए सबसे पहले देखें कि आपके डिवाइस में इंटरनेट स्पीड अच्छी है। सबसे पहला पॉइंट, टाइमिंग का रखें ध्यान। तत्काल टिकट बुक करने के लिए सही समय पर ऑनलाइन रहना जरूरी होता है। AC की तत्काल टिकट बुक का समय 10 बजे होता है, इसलिए ध्यान रखें कि 9:58 तक आप लॉगिंग कर ले। स्लीपर क्लास में तत्काल टिकट बुक करने का समय 11 बजे होता है, ऐसे में 10:58 पर लॉगिन कर ले। लॉगिन के तुरंत बाद तत्काल काउंटर खुलने से पहले आपको मास्टर लिस्ट बना लेना चाहिए। हमारा सेकंड पॉइंट है, मास्टर लिस्ट फीचर क्या है? तत्काल टिकट आसानी से बुक करने के लिए ये फीचर काफ़ी कम का है। IRCTC ने यात्रियों की मदद के लिए एक नया फीचर जोड़ा है जिसे मास्टर लिस्ट फीचर कहते हैं। इस फीचर के जरिए यात्रियों की डिटेल पहले ही भर ली जाती है। इसके बाद बुकिंग करते वक्त आपको पैसेंजर डिटेल भरने में समय नहीं लगता है और जल्द से जल्द आप पेमेंट करके बुकिंग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से तत्काल बुकिंग का प्रयास बहुत आसान हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे काम करता है मास्टर लिस्ट फीचर। इसके लिए सबसे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए। इसमें माई अकाउंट पर जाकर माई प्रोफाइल ऑप्शन का चुनाव करें। आगे ऐड मॉडिफाई मास्टर लिस्ट ऑप्शन का चुनाव करें। आगे पैसेंजर का नाम, लिंक, बर्थ आदि जानकारी दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी मास्टर लिस्ट बन जाए। बुकिंग करते वक्त माय पैसेंजर लिस्ट पर जाकर क्लिक करें। इसके बाद आप पेमेंट करके आसानी से तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। मास्टर लिस्ट आपके बहुत काम की चीज़ है। मास्टर लिस्ट में अगर आप पहले ही अपनी ज़रूरी डिटेल डाल देंगे तो टिकट बुक करते समय आपको कुछ नहीं करना है। नेम पर क्लिक करते ही नीचे आपकी जारी डिटेल आ जाएगी। उस पर क्लिक करते ही डिटेल ऑटो फिल हो जाएगी, आपका समय बच जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।